दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है, इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुर इसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम, परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 9। तभी उसके जहन में अली मदद शाह का चेहरा आ गया, उसकी पुर इसरारियत याद आ गई, प्रोफेसर का ख्वाब मुसलसल याद आ गया कि वो किस तरह किस्त बार ख्वाब देख रहा है। ज़रूर ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, उसने सोचा और बिस्तर पर आकर बैठ गया। तभी दरवाज़ा खुला और वो हैरत से उछल पड़ा। पस्तौल वाले आदमी ने आगे बढ़कर प्रोफेसर की जामे तलाशी ली। प्रोफेसर ने हकारत से सैयद अली की तरफ देखा। उसका जी चाह रहा था वो किसी भूखे शेर की तरह उस गद्दार पर झपट पड़े, लेकिन मशीन गन और पस्तौलों की उठी हुई नालियों ने उसे रोक दिया। वो उन्हें तकरीबन खींचता हुआ ऊपर ले गया। चंद मिनट बाद वो एक कुशादा कमरे में थे। कमरे में पुराने डिज़ाइन की एक आराम कुर्सी थी। पस्तौल वाले ने उन्हें उस कुर्सी की जानब धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो उस पर बैठकर सैयद अली के बारे में सोचने लगे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सैयद अली मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे कमांडर अली था और कमांडर के पीछे दो रिवाल्वर ब्रादर। कमांडर अली के लंबे लंबे काकुल बिखरे हुए थे और चेहरे पर उदासी थी। दोनों की आंखें मिली और कमांडर ने अपना मुंह मोड़ लिया। मिस्टर उस्मान, कमांडर अली की ख्वाहिश है कि तुम्हारी मौत इसके हाथों वाकया हो। मरने से पहले मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि गद्दारी की तुम्हें कितनी बड़ी रकम अदा की गई, प्रोफेसर ने हकारत से पूछा। सैयद अली ने कहका लगाया, हर आदमी की कीमत होती है, इसकी कीमत है रहाई। इसे तभी रहाई मिलेगी, उसका ख्याल है कि यहाँ की आज़ादी के लिए इसकी ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं, इसलिए इसने सौदा कर लिया है। आम हालात में शायद कभी भी प्रोफेसर इस तरह मौत से खेलने की जुर्रत ना करते, लेकिन इस वक्त उन्हें अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र ना थी। वो ये भी भूल चुके थे कि वो कितने बड़े साइंसदान हैं। उनकी तहकीक ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। कुरान शरीफ की आयात को मद्देनज़र रखकर उन्होंने किस तरह साबित कर दिया था कि इंसान के अंदर भी जानदारों की एक दुनिया आबाद है जो उन्हीं की तरह सांस लेती है, पैदा होती है, तरक्की करती है और फिर मर जाती है। सेल पर रिसर्च थ्योरी पेश करके दुनिया की तिब में इनकलाब बरपा कर दिया था। उस अजीम साइंसदान ने जब पूरी कुव्वत से अपने जिस्म को ऊपर उछाला तो उनके जहन में सिर्फ एक दुआ थी कि खुदाया, मुझे अपना फ़र्ज मुकम्मल करने के लिए ज़िंदगी के सिर्फ चंद लम्हात और अता कर दे। वो इस तेज़ी के साथ उछले थे कि कलाशनकोफ का रुख उनकी तरफ मुड़ ना सका, और इससे पहले कि वो आदमी इस गैर मतवक्का सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने हवास पर काबू पाता कि प्रोफेसर उस्मान कलाशनकोफ सी जिद से निकल कर अपने बदहवास शरीफ को बाज़मों के शिकंजे में कस चुके थे। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि सैयद अली एक लम्हे के लिए बेयकीनी के आलम में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रह गया। जब उसने देखा कि प्रोफेसर उस्मान कलाशनकोफ का रुख उसकी तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एकदम पूरी कुव्वत से चीखा, देख क्या रहा है, गोली चला, कमांडर फायर कर। प्रोफेसर ने कलाशनकोफ छीनने के लिए पूरी कुव्वत लगा दी थी, मगर उनका बूढ़ा जिस्म एक नौजवान लड़ाके से हारने लगा था। तभी उन्होंने कमांडर अली की तरफ देखा, वो पस्तौल बुलंद कर रहा था। प्रोफेसर सर बचाने के लिए कुछ नीचे झुके, तभी फायर हुआ, एक चीख गूंजी और उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं।
बस यही वो कमज़ोर लम्हा था जब कलाशनकोफ वाले ने अपने जिस्म को झटका दिया और प्रोफेसर के शिकंजे से निकलता चला गया। खबरदार गोली मत चलाना, कमांडर अली की तुरश आवाज़ कमरे में गूंजी। कलाशनकोफ का रुख प्रोफेसर की तरफ मुड़ते मुड़ते रुक गया। उन्होंने बेयकीनी के आलम में सैयद अली की तरफ देखा जो दोनों हाथों से सीना थामे नीचे फर्श पर लड़ गया था। उसकी फटी फटी आंखें कमांडर अली पर जमी हुई थी। कमांडर का रिवाल्वर दोबारा गूंजा। यक्के बाद देगरे पस्तौल और कलाशनकोफ ब्रादर अपना अपना सर पकड़ कर बैठते चले गए। प्रोफेसर बाहर निकलो, ये कहकर कमांडर चौकन्ना नजरों से मकतूलों पर नजर डालता हुआ बाहर की सिमत बढ़ा। वह दोनों बाहर निकले तो हर तरफ वही खामोशी थी जो उस इलाके का खासा थी। ये घर कस्बे से काफ़ी दूर था। बाहर कमांडर की गाड़ी मौजूद थी, एग्निशन में चाबी लटक रही थी। कमांडर ने दरवाज़ा खोल कर कहा, मैंने इसीलिए चाबी छोड़ दी थी कि अगर जिंदा निकलने में कामयाब हो गया तो चाबी ढूंढने में वक़्त ज़ाया नहीं होगा, आओ बैठो। प्रोफेसर उस्मान उसके बराबर में बैठ गए। उसने पिकअप स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाता चला गया। उसने गाड़ी का रुख कस्बे की तरफ कर लिया था। आहिस्ता आहिस्ता फासले ख़त्म हो रहे थे, कस्बा नज़दीक आता जा रहा था। कमांडर अली, तुमने तालीम वगैरह हासिल की है या नहीं? प्रोफेसर उस्मान ने खामोशी को तोड़ा। तालीम? हम कश्मीरियों के लिए तालीम, उसने कहका लगाया। मेरे बुज़ुर्ग, तालीम हासिल करने का शौक़ मुझे बहुत था। मेरी माँ ख्वाब देखा करती थी कि मैं इंजीनियर बनूँगा, डॉक्टर या पायलट बनूँगा, लेकिन उसी ने एक दिन मुझे कसम दे दी कि मैं तालीम हासिल ना करूँ। ये क्या बात हुई? क्यों रोका उन्होंने? कोई हादसा हो गया था क्या? हाँ, वो हादसा ही था, मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ देने वाला हादसा। उस दिन मेरी माँ एक हरफ भी पढ़ ना पाने वाली माँ ने फ़िलासफ़रों जैसी एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था? प्रोफेसर उस्मान के लहजे में तजस्सुस था। मुझे आज भी यूँ लगता है जैसे वो बंदर मेरी आँखों में ताज़ा है, कमांडर अली ने दूर उफक पर नज़र टिका कर कहा। लेकिन फौरन ही उसने नज़रें मोड़कर सड़क पर भगटट भागते टट्टू और उसके पीछे एक 12-13 साल के बच्चे को देखा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, हर रोज़ मेरी माँ मेरे अब्बा से ज़िद करती थी कि मेरे अली को स्कूल में भर्ती करा दे, वो पढ़ेगा, बहुत सा पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा। रोज़ रोज़ की चख चख से तंग आकर अब्बा ने इधर उधर से उधार मांग कर इतने पैसे जमा कर लिए कि मुझे बड़े कस्बे के स्कूल में भर्ती करवा दें। स्कूल में दाखिला लेकर मुझे वहीं रहना था, इतना फासला तय करके आना जाना मुमकिन भी नहीं था। अम्मा ने मुझे ईद वाले कपड़े पहनाए और मैं अब्बा के साथ बड़े कस्बे की तरफ चल पड़ा। हम सुबह की नमाज पढ़कर चले थे और उस वक़्त जोहर का वक़्त हो गया था। स्कूल में अब्बा ने भी 5 जमात तक पढ़ा था, इसलिए वो रास्ते भर मुझे स्कूल के नज़्म व नसक के बारे में बताते आए थे। लेकिन जब हम स्कूल में दाखिल हुए तो स्कूल के वसीओ अरीद और पुरशिकवा इमारत साए साए कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई आदमजाद ना हो। उस बेरुख रौनकी और वीराने ने अब्बा को वसवसे में डाल दिया कि कहीं वो किसी गलत जगह तो नहीं आ गए। वो अपना वसवसा दूर करने के लिए दोबारा बाहर निकले। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड देखकर वो फिर से अंदर आ गए और उनका वसवसा ख़त्म हो गया था, लेकिन हैरत में इजाफा हो गया था, जिसका आधार उन्होंने धीमी आवाज़ में किया था। शायद वो सोच रहे थे कि स्कूल को क्या हो गया। सामने ही बड़ा सा प्ले ग्राउंड था। मैदान में उगी हुई घास बेतरतीब थी, कहीं बड़ी कहीं छोटी झाड़ झंकार की कसरत थी। दरख्तों के खुश्क और जर्द पत्ते हर तरफ बिखरे पड़े थे, टूटी हुई टहनियाँ भी हर जानब फैली हुई थी। मैदान की रंगत बता रही थी कि अरसे से वहाँ छिड़काव नहीं हुआ है, तभी यह खुश्क साली है। कभी यह बाग था, अब जंगल हो गया है, कहते हुए अब्बा ने कदम आगे बढ़ाया और हम बरामदे में पहुँच गए। सामने लाइब्रेरी हाल था, उसमें झांक कर देखा, किताबें, मेज़, कुर्सियाँ, अखबारात और रसायल सब कुछ मौजूद था, मगर नहीं था तो कोई एक लड़का। बाद अलमारियाँ खाली थी, हमारे वक़्त में तो यहाँ हर वक़्त भीड़ लगी रहती थी। ये कहकर वो लाइब्रेरी की तरफ बढ़ते चले गए। नज़दीक पहुँच कर उन्होंने लाइब्रेरियन से पूछा, दीनी किताबें बहुत कम नज़र आ रही हैं, जिल्दबंदी के लिए गई हैं, उसने जवाब दिया।
अब्बा वापस मुड़ गए। राहदारी में चलते हुए उन्होंने क्लासरूम का जायज़ा लिया। तालबे इलम जमात में मौजूद थे, जहां 40 तलबा बैठ सकते थे, वहां बेमुश्किल 10-11 तलबा बैठे हुए थे। खामोश सर झुकाए अपनी किताबें और कापियां देख रहे थे। चेहरे हसरत ज़्यादा थे और उन्हें देखकर एहसास होता था कि खुद कहीं और हैं और उनकी तवज्जो कहीं और। उसातज़ा भी कमज़ोरों कमरों में मौजूद थे और बिल्कुल मशीनी अंदाज में काम कर रहे थे, जैसे ये उनके लिए नारवा बोझ हो जिसे उठाकर फेंकना चाहते हों। अब हम स्कूल के ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे। दफ्तर के बाहर कुछ फौजी बैठे थे, उनके हाथों में दिल्ली से निकलने वाला हिंदी अखबार था। दफ्तर के अंदर एक बूढ़ा शख्स रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। अब्बा मुझे साथ लेकर उस बूढ़े के करीब पहुँचे, फिर अर्ज़राहे तज़किरा पूछा, ये फौजी यहाँ क्यों हैं? ये स्कूल की निगरानी कर रहे हैं। क्यों, क्या स्कूल भाग रहा है? हाँ भाग रहा था, कहीं और बहुत दूर जा रहा था। मेरे अब्बा के चेहरे पर परेशानी छा गई। क्या यह स्कूल कहीं दूर जा रहा था? उन्होंने जल्दी से कहा, तो क्या अब दाखिला नहीं दिया जा रहा है? दाखिला या खरूज, टीसी लेना है क्या? नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसे दाखिल करवाना है। वाह वाह, तुम्हें मेडल मिलेगा, इस साल के तुम पहले शख्स हो। ये पहला लड़का है जो स्कूल में दाखिल होगा, वरना यहाँ तो टीसी हासिल करने वालों की कतार लगी है। मैं हेडमास्टर से मिल सकता हूँ? बसरो चशम 100 बार मिल सकते हैं। कहाँ हैं वो? अपने दफ्तर में। क्या कर रहे होंगे? मक्खियाँ मार रहे होंगे, जल्दी जाइए, वो बहुत खुश होंगे। मेरे अबू मुझे वहाँ ठहरा कर हेडमास्टर के एक रूम के कमरे में दाखिल हो गए। मैं मुश्किल 10 मिनट के बाद लौटे तो उनके हाथ में फार्म था। वो मुझे साथ लेकर वापस घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने बताया कि अब स्कूल का बहुत सा कानून बदल गया है। अब इस स्कूल का हेडमास्टर तिलक लगाने वाला एक पंडित है। यहाँ दीनी तालीम की जगह ला मजहबियत की तालीम दी जाती है। अशोक की महानता, विश्वामित्र की चालाकी, बुद्ध की शांति और देगर हिंदी राजाओं की दानाई की तालीम दी जा रही है, ताकि दिल्ली जाकर आला तालीम हासिल करने में रुकावट ना हो। जब हम अपने घर में दाखिल हुए तो शाम का साया उतरने लगा था। वैसा ही साया अब्बा के चेहरे पर भी लर्ज रहा था। शायद उनका जहन परत दर परत रोशन हो गया था और दिल पर दर्द की लहर मोहित हो गई थी। वो जुमला, वो बातें, वो तमाम वीरानियाँ, वो तमाम सनाटे और सवालात जो अंदरूनी सुकून उन्हें पकड़ बैठे थे, अब वो उनकी गिरफ्त से आज़ाद थे। अब्बा मुझे स्कूल में दाखिले के लिए ले गए थे, मगर वहाँ से फार्म लेकर लौटे तो वो हद से ज़्यादा टूटे बिखरे नज़र आ रहे थे। अम्मी ने पूछा, क्या बात है, आप इस कदर थके हुए क्यों हैं? चेहरे पर गुस्सा है, क्या किसी से कोई बात हो गई? नहीं, मैं स्कूल की हालत देखकर मायूस हो गया हूँ। पुराने तमाम मास्टर स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, हेड मास्टर भी बदल गया। अब जम्मू का एक पंडित हेड मास्टर बनकर आया है। स्कूल की लाइब्रेरी से इस्लामियात की तमाम किताबें हटा दी गई हैं। बकौले हेड मास्टर, इस्लामी तारीख खून खराबे से भरी हुई है, इसका बच्चों के जहनों पर बुरा असर पड़ रहा है, बदले का जज्बा पैदा हो रहा है। उसकी जगह बुद्ध मज़हब के अखबार सिखाए जा रहे हैं ताकि अमन और शांति बढ़े। इस्लामी तालीम ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग बच्चों को स्कूल से हटा रहे हैं। पिछले साल की नस्बत इस साल 90% बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए दाखला फौरन मिल रहा है। ना सिर्फ दाखला बल्कि वजीफ़ा भी मिलेगा। मैं दाखला फार्म ले आया हूँ, अब क्या करना है मुझे बता दो। ये कहकर उन्होंने दाखला फार्म अम्मी की तरफ बढ़ाया था। अम्मी के चेहरे की रंगत बदल गई, उन्होंने गजबनाक निगाहों से फार्म को देखा, फिर गुर्राहट भरी आवाज़ में बोली, तो अब हमारी नई पूद को मज़हब से बेगाना करने की मुहिम चलाई जा रही है। इस्लाम तो अमन व आश्ती का मज़हब है, उस पर खून खराबे की मोहर लगाई जा रही है। वो किसी एक शख्स की गलती तमाम लोगों पर थोप रहे हैं, इनफरादी गलती को इज्तमाई करार दे रहे हैं। अम्मी हद से ज़्यादा जज्बाती हो गई थी, वो चीखने की हद तक तेज़ आवाज़ में बोल रही थी। ओहो, वो अपनी तारीख भूल रहे हैं, एक हफ्ता पहले ही तो मास्टर शजात हिंदुओं की तारीख बता रहे थे कि अशोक ने तख्त की खातर खून की नदियाँ बहाई थी। तख्त हासिल करने के लिए उसने अपने भाइयों को कत्ल किया था। बहा भारत की जंग के वक़्त अपने भाइयों रिश्तेदारों को मुखालफ साफ में देखकर हौसला हारते हुए
महाराजा अर्जुन को उनके भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर उकसाया था कि जंग के वक्त कोई भाई चचा मामू नहीं रहता, सफ़े मुखालफ में सिर्फ दुश्मन होते हैं। और उनके कहने पर अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों का बेतरेग कत्ल किया था। क्या महाराजा देगर अमादिया ने तख्त के लिए अपने बाप को कत्ल नहीं किया था? उस मास्टर के बच्चे से ये तो पूछ लेते कि उसकी तारीख क्या है। विक्रमशिला और नालंदा हार आज भी गवाह हैं। बोलते बोलते शिद्दते जज्बात से अम्मी का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। उन्होंने गजबनाक निगाहों से फारम को देखा था, फिर उसे फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को पैरों से मसल कर बोली थी, मेरा बेटा भारतीयों के पाँव की जूती बनने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीरी माएँ भारतीयों का गुलाम बनने के लिए बेटे नहीं जनती। ये स्कूल की नहीं अब बंदूक की तालीम हासिल करेगा, मुजाहद बनेगा, गुलामी की जंजीर तोड़ेगा। फिर वह मेरी तरफ मुड़कर बोली थी, जा बेटा, मैंने तुझ पर हके शेर माफ किया, तुझे दूध बख्श दिया, जा मादरे वतन के गले में पड़े तो के गुलामी को तोड़ दे। प्रोफेसर, वो दिन है और आज का दिन। मैंने मौत के स्कूल में दाखिला ले लिया है, कलाशनकोफ मेरा कलम है और भारतीय दरिंदों का सीना कागज। मैं हर रोज नया सबक सीख रहा हूं, ना जाने कब तक लिखता रहूंगा। आखिरी जुमला उसने प्रोफेसर उस्मान से मुखातब होकर कहा था। अपनी अम्मी से मिलने जाते हो? प्रोफेसर ने पूछा। ईद बकरा ईद पर चला जाता हूँ। आखिरी बार कब गए थे? प्रोफेसर ने यूं ही पूछ लिया। जहाँ तक मेरा ख्याल है 7-8 माह हो गए होंगे। मुझे 12 मौला की एक चौकी उड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसकी एक ही वजह थी, वो ये कि मैं उसी इलाके का था और वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकफ था। एक एक पत्थर से आशनाई थी, वहाँ के पेड़ मुझे पहचानते थे। उस चौकी से कुछ ही दूर मेरा गांव था, वो गांव जहाँ मैं पैदा हुआ था, जिसकी गलियों में ऊंची नीची पहाड़ियों में मैं खेल कूद कर जवानी की मंजिल तक पहुँचा था, इसलिए मैं फौरन राज़ी हो गया था। और तब एरिया कमांडर ने मेरे असबात पर आगे बढ़कर मुबारकबाद दी थी और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था, अली याद रखना, वहाँ तुम्हारा गांव भी है और गांव में तुम्हारी माँ भी है, छोटे भाई बहन भी हैं। मुझे पता है तुम अपनी नन्ही बहन सकीना से बहुत प्यार करते हो, लेकिन याद रखो हर रिश्ते से बढ़कर फ़र्ज है, तुम फ़र्ज के रास्ते से भटक ना जाना। नहीं, मैं फ़र्ज को भूल नहीं सकता। मेरा वतन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, कराह रहा है, ऐसे वक़्त में मैं कैसे अपने भाई बहनों और माँ से मिलने जाऊँगा। नहीं, मैं फ़र्ज पूरा करके लौट आऊँगा। यही अब गलती कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी तारीख का हर बाब हमारे लिए दर्स है। याद रखो ये कश्मीर करबला है, जुल्म व जफा करबला। करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो जुल्म व जबर से टकराने के लिए निकले थे, तो क्या अपने घर के बच्चों को मदीने में छोड़ आए थे? नहीं ना। तो फिर तुम अपने घर वालों को क्या छोड़ना चाहते हो? तुम उनसे मिलोगे, उनके हौसले बढ़ाओगे, उनकी खैरियत मालूम करोगे, मगर तब जब अपना फ़र्ज पूरा कर लोगे, चौकी को उड़ा दोगे। आप जैसा कहें, मैंने जवाब दिया था और कलाशनकोफ को उठा लिया था। कमर से 5 ग्रैंड की झालर बांधी थी और ऑपरेशन पर रवाना हो गया था। ये कहते कहते कमांडर अली रुका था और गहरी सांस लेकर बोला था, मैं जिस वक़्त उस इलाके में पहुंचा तो रात घिर आई थी, तारीख रात, इक्का दुक्का धुंधला धुंधला सितारा दूर आसमान पर टिमटिमा रहा था। मैं अचानक ही ज़मीन पर बैठ गया। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे ज़मीन मुझे पुकार रही है, एक अजीब मधुम मगर पुर इसरार सी आवाज़ में। हाँ हाँ, वो मेरी धरती माँ की आवाज़ थी। वो मुझसे कह रही थी, मेरे बेटे, मेरे जानबाज मुजाहद बेटे, मेरे गाजी बेटे, मुझे तुम पर फख्र है, मेरे अजीज़, तुमने अपनी माँ की इज्जत पर हरफ नहीं आने दिया, मेरी इज्जत की हिफाजत की, मेरे शेर जवान बेटे, मुझे तुम पर फख्र है। जिस माँ के बेटे इतने गैरतमंद, बहादुर, दलेर और शजा हों, वो माँ कभी किसी की कनीज नहीं बन सकती, गुलामी करने पर उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। प्रोफेसर, यकीन करो प्रोफेसर, उस वक़्त मेरी आंखें नम हो गई थी, मैंने अपने होंठों को मिट्टी पर रखकर मोहब्बत का अजहार किया था, फिर सरगोशी के अंदाज में कहा था, माँ, मेरी जान से प्यारी माँ, यकीन करो मैं तुझे मायूस नहीं करूँगा। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, जिस्म के आखिरी कतरा खून तक, मैं तुझे आज़ाद कराने के लिए लड़ता रहूँगा।
तेरे सीने को रोंदने वाले काफरों से चुन चुन कर बदले लूंगा, एक एक जुल्म का हिसाब लूंगा, तू आजाद होकर रहेगी। जानते हो प्रोफेसर, उस वक्त मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो जमीन जो अंधेरे की चादर में शर्मसारी छुपाने के लिए मुंह लपेटे हुए है, एक सुकून की सांस ली थी। वो अतमीनान भरी सांस ख्वाब मेरे ख्यालों में गूंजी हो, मगर मैं फिर भी मुतमिन हो गया था और कपड़े झाड़ कर खड़ा हो गया था। फिर एक नए जज्बे के साथ कलाशन कोफ थामे आगे बढ़ा था और चौकी के करीब पहुंच गया था। फिर क्रोलों करते हुए काफरों के सर पर पहुंच गया। 10 कदम, हाँ सिर्फ 10 कदम का फासला बाकी रह गया था। मैंने कमर से बंधी ग्रेनेडों की झालर को निकाला था और पे दर पे दांतों से पिनों को खींच खींच कर चौकी पर उछालता चला गया। धमाका, जोरदार गड़गड़ाहट, चीखें, सिसकियां, फिर खामोशी, गहरी खामोशी, मौत का सन्नाटा और लिपटपाती हुई आग की। मैं झाड़ियों की ओर से निकला, अतराफ का जायजा लिया। चंद मिनट कबल वहां एक बैरक नुमा कमरा था, अब वहां कुछ भी न था। गिरी पड़ी ईंटें, टूटी फूटी लकड़ियां, झुलसती हुई जमीन और मरगोलों में उठता हुआ धुआं। मेरे होंठों पर हंसी आ गई थी। इस वक्त मैं वहां अकेला था, खुद मुख्तार, बेखौफ। मैंने गुलामी की जंजीर से एक कड़ी तोड़ दी थी। जमीन का वो टुकड़ा आजाद हो चुका था। उस इलाके से दिल्ली फौज की एक और चौकी नीस तो नाबूद हो चुकी थी। मैंने झुककर तारीकी में मलबे को टटोला। थोड़ी ही देर में कई राइफलें मलबे के नीचे से निकल आईं। 15-20 मिनट के बाद मैं मजीद 2 राइफलें ढूंढ चुका था। मैंने तमाम राइफलें उठाई और फिर झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। झाड़ियों के पीछे एक बड़ा सा थैला पड़ा था, बोरी नुमा थैला। उसमें पहले से ही कई चीज़ें भरी हुई थी। उसी में राइफलें ठोंस ली, फिर उसे उठाकर कंधे पर लादा और आगे की किस्मत बढ़ता चला गया। अब मैं अपने गांव जा सकता था। अभी पो फटने में कई घंटे बाकी थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं यहाँ से तेज़ तेज़ चलता रहूँ तो 1.5 घंटे में अपने गाँव पहुँच सकता हूँ। अपने घर में 1.5 घंटा ठहरने के बाद मैं पो फटने से पहले गांव से निकल सकता हूं। मुझे सुबह होने तक 12 मौला के करीब अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचना ज़रूरी था। मैं बार बार फासले उबर और वक़्त को जहन में ला रहा था। मुझे यकीन था ठीक वक़्त पर अपने कैंप में पहुंच जाऊंगा। मेरी चाल खुद ब खुद तेज़ हो गई। मैं अपने आप को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। जहन की रफ्तार मेरे कदमों की रफ्तार से भी तेज़ थी। बार बार कई चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। साहबे जान, सकीना और अम्मा के चेहरे, और उन पर रात की तारीकी का ज़रा भी असर नहीं था। तमाम चेहरे साफ नज़र आ रहे थे। वो मंजर अब भी आंखों में तैर रहा था जब मैं घर से निकल रहा था। मेरी माँ ने मेरे दोनों कंधों को पकड़ कर कहा था, अली मैं कब से इस मौके की मुंतज़िर थी। एक अरसा से यह ख्वाब देख रही थी, मगर बेटे जाने से पहले तुझे एक वादा करना होगा। कैसा वादा, मैंने माँ से पूछा था। एक ही वादा, तुम अपने नाम की लाज रखोगे, पीठ पर गोली नहीं खाओगे, गोली आई तो अपने सीना बढ़ा दोगे। उस वक़्त मेरी माँ का सर तना हुआ था, आंखें शरारे उगल रही थी, चेहरे पर एक मुलायमत अमेज अस्तकामत थी। शिद्दत जज्बात से उसके वजूद में लर्जश पैदा हो चुकी थी। वो कह रही थी, तुमने वो गीत सुना होगा, मेरे वतन हम लौट आएंगे, एक दिन तुम्हारी वो बहनें, वो भाई जो आज़ाद कश्मीर के महाजर कैंपों में पड़े हैं, ये आवाज़ उनकी है, ये ख्वाब उनका है। अपने घर को छोड़कर जाने वालों के ख्वाबों की ताबीर देने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। उस वक़्त माँ की आंखों में शरारे दमकते हुए दिखाई दे रहे थे। वो मुझे चूम रही थी, अपने सीने से लगा रही थी। मैं उड़ा चला जा रहा था, फासले सिमट रहे थे। मैं उस इलाके के एक एक दर्रे, एक एक मोड़ से वाकफ था। आंखें बंद करके अपने गांव पहुंच सकता था। वो सारे लम्हे जो आखिरी और अलविदाई मुलाकात को अपने अंदर समोए हुए थे, वो सारे लम्हे तस्वीरों और आवाज़ों की सूरत में मेरे जहन के पर्दे पर खींचे चले आ रहे थे। उनमें बाद लम्हे बहुत अजियतनाक थे, बाद लम्हे आंसुओं में भीगे हुए थे। अपनी नन्ही बहन को देख कर मैं सोचा करता था कि जब मैं मुकाबले के लिए जाऊंगा तो ये मुझे बहुत याद आएगी और उसकी याद मेरे दिल को बोझिल कर देगी। कभी कभी सोचता था कि अगर मैं भी मर गया तो उसके बाद मेरा जहन तारीक हो जाता, दिल डूबने लगता। मैं सोचता मेरी प्यारी बहन का क्या होगा, ये तो अभी इतनी छोटी है,
कि इसे तो अब्बा की शक्ल भी याद ना होगी, मुझे ही सब कुछ समझती है। दूसरे ही लम्हे मैं दांत पीसने लगता और दिल में कहता, मैं बुजदल हो गया हूँ। मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार था, लेकिन बुजदल कहलवाना पसंद ना था। इससे बेहतर तो ये था कि मैं मर जाता। उस वक़्त जब मेरे कदम तेजी से अपने गांव की तरफ उठ रहे थे, उस वक़्त मेरी आंखों के सामने बहन का चेहरा बार बार आ रहा था। सबसे रोशन व मुनव्वर चेहरा, फूले फूले सुर्ख रुखसार, बाल भूरे, छोटे छोटे हाथ पांव, तोतले लहजे में गिने चुने अल्फाज पर मुश्तमिल कुछ मबहम और गैर मबहम बातें। एक लम्हे के लिए मैं रुक सा गया। मैं रास्ता नहीं भूला था, ठीक रास्ते पर जा रहा था। मेरा एक एक कदम मुझे गांव के करीब कर रहा था, लेकिन सकीना का जहाँ अफजा तसव्वुर, जिसने एक लम्हे के लिए मेरे कदम रोक दिए थे। कुछ तेज़ तेज़ चलने से, कुछ यादों की हिद्दत और कुछ जज्बात की शिद्दत से मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मैं अब गांव के करीब आ चुका था। चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मैं ठीक रास्ते पर बढ़ रहा था। मुझे यकीन हो चला था कि मैं अब तब में गांव पहुंच जाऊंगा। मैंने सोचा अम्मा और सकीना मुझे अचानक सामने देखकर कितना खुश और कितना हैरान होंगी। मैंने दिल ही दिल में कहा, सकीना अब भी सो रही होगी, लेकिन मैं उसे जगा दूंगा। हाँ, अब मैं उसे सोने नहीं दूंगा, उससे खूब बातें करूंगा, खूब प्यार करूंगा। मैंने एक लंबी सांस भरी। मुझे एहसास था कि मेरे पास वक़्त कम है। मैं ज़्यादा देर गांव में नहीं ठहर सकता, लेकिन जितनी देर ठहरूंगा उसमें मैं अपनी माँ को ये ज़रूर बताऊंगा कि उसका बेटा अली एक बहादुर मुजाहिद है। मैं अपने कुछ मार्कों की कहानी अम्मा को ज़रूर सुनाऊंगा कि किस तरह मैंने कई दफ़ा दुश्मन को जान पर खेल कर ख़त्म किया, किस तरह कई बार ऐसा हुआ कि मेरी जान खतरे में पड़ गई, लेकिन मैं हरासा ना हुआ। मैं अम्मा को बताऊंगा कि अभी अभी एक चौकी को तबाह करके आ रहा हूं। मैं एक सच्चा मुजाहिद हूं। मैं अम्मा को भारतीय फ़ौजियों के मजालम की दास्तानें सुनाऊंगा और बताऊंगा कि मुजाहिदीन ने किस तरह जान की बाजी लगाकर भारतीय फ़ौजियों को हलाकर रख दिया। मैं अपनी अम्मा को यह खुशखबरी सुनाऊंगा कि जल्द, बहुत जल्द मैं ज़ालिम फ़ौजियों के तसल्लुत से अपने मुल्क को निजात दिला दूंगा, कश्मीर को आज़ाद करा लूँगा।